हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरी जाना, व्हाट वाज योर 12th एंड 10th परसेंटेज? मैंने आज तक किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करी है। सो किसी से प्यार हो या उसको आपको पसंद हो तो आप मेरे घर पे रिश्ता भेज सकते हो, मेरे ईमेल आईडी पे रिश्ता भेज सकते हो, हम पक्का कंसीडर करेंगे। लाइफ के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप्स एंड ऐसे तो मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, चार सोचना बहुत मुश्किल होगा। बट कोई, मेरा बचपन का ड्रीम था, मतलब लाइफ में क्या कर रही है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, योर एज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस प्रिया। सो टुडे आई एम गोना आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे स्टडीज के बारे में, मेरे कॉलेज के बारे में, फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग अबाउट माय ओन लाइफ। तो आज मैं सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी। मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था आस्क मी अ क्वेश्चन, सो लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ देम टुडे। तो आज आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय मोहम्मद अकीफ। उन्होंने पूछा है योर टॉप फोर क्वालिटीज। तो ऐसे तो मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, चार सोचना बहुत मुश्किल होगा। बट कोई नहीं, मेरी फर्स्ट क्वालिटी है दैट आई एम वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। आई नो कि इफ आई वॉन्ट समथिंग इन माई लाइफ देन ऑब्वियसली आई एम गोना वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट दैट थिंग। आई नो दैट यू नो आई एम वेरी लेजी, मैं बहुत लेजी हूँ, बट इफ आई नो दैट आई वॉन्ट समथिंग इन माई लाइफ देन आई वर्क ब्लडी हार्ड टू गेट दैट थिंग। मतलब मुझे पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए पूरा खून पसीना सब बहाऊंगी उस चीज़ को पाने के लिए, तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। सेकेंड इज़ मैं हार्ड वर्किंग इसलिए भी हूँ कि जब मेरे बोर्ड्स भी थे, जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आते तो मैं रात रात तक तीन तीन चार चार बजे तक पढ़ती हूँ, फिर मैं एक घंटा सो के तो मैं फिर हमूरत में दोबारा उठ के पढ़ती हूँ। मतलब मैं काफ़ी वर्क हार्ड करती हूँ, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क या जो भी आप बोलो। सेकेंड आई थिंक मेरी जो क्वालिटी होगी वो होगी इज़ नॉट टू गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करती, मैं किसी भी चीज़ पे गिव अप नहीं करती। अगर मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मैं कभी भी उस चीज़ पर गिव अप नहीं करती। एंड आई थिंक किसी को भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग इन योर लाइफ यू नो वर्क हार्ड मैन, क्यों गिव अप करना किसी चीज़ पर? क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं तब तक गिव अप नहीं करती जब तक एकदम ऐसा ना आ जाए कि भाई अब तो नहीं होगा, तब करती हूँ, तब भी नहीं करती। आई थिंक मैं बहुत बिलीव करती हूँ दैट यू शुड नॉट गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए। थर्ड क्वालिटी ऑफ माइंड वुड बी, क्या क्वालिटी होती है अदर, या आई वैल्यू फैमिली अलॉट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो काफ़ी फैमिली से ऐसे दूर से होते हैं। ऐसे नहीं कि फिजिकली दूर रह रहे हैं, बट होता है ना, मतलब अपने में रहना, फैमिली में बात ना करना, ये सब चीज़ें होती है। बट मेरा ऐसा है कि मैं अगर कॉलेज से घर आ गई तो मैं 100 बार बताऊंगी कि आज ये हुआ, वो हुआ, इसने वो कहा, उसने वो कहा, मेरे दोस्त ये, मेरे दोस्त वो, मैं सब कुछ घर में आकर बताती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट क्वालिटीज़ जो मुझे अपने अंदर लगती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरे बहुत क्वालिटीज़ हैं, बट फोर्थ क्वालिटी मेरे अंदर क्या होगी, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेकर। मैं कभी भी अपने आप को करती हूँ भाई, मैं अपने आप को कभी कभी वो करती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मैं करती हूँ। बट मुझे अंदर अंदर पता है, वो सेल्फ बिलीफ है कि मैं कर लूँगी, दैट कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी। मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं सीखती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेकर कि मुझे जो चाहिए लाइफ में मैं वो अचीव कर लूँगी। मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ कि मुझे अपने ड्रीम्स मतलब हासिल हो जाए जो मैं चाहती हूँ। The same person has asked another question. Mohammad Akif has asked another question. Your childhood dream. So my childhood dream. तो मेरा बचपन का ड्रीम था टीचर बनने का। मुझे हमेशा से टीचर बनना था, मुझे मज़ा आता था। जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मुझे मज़ा आता था जैसे देख कर कि मैम पढ़ा रही है, बोर्ड पे लिख रही है, बच्चों को मार रही है, और मतलब ये सब मुझे बहुत पसंद था। तो मुझे और नोटबुक्स चेक कर रही हूँ, तो मैं भी घर आकर साड़ी पहनती थी, मम्मी की चुन्नी डालती थी, फिर मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाती थी, प्रटेंड करती थी, नोटबुक्स ऐसे अपने रफ रफ नोटबुक्स कलेक्ट करके उनको साइन वाइन करती थी रेड पेन से। तो मेरे को बहुत शौक था टीचिंग करने का, और मैं अभी भी टीचिंग कोर्स ही कर रही हूँ, प्लस मैं 5-6 साल से ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ। तो वो एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन थी मेरी, जो मुझे पता नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट वो सच हो गया। और मैं टीचिंग कोर्स ही कर रही हूँ, बट अब मेरे लिए टीचिंग एक बैकअप ऑप्शन है, क्योंकि मुझे दूसरी इंडस्ट्री में जाना है जो मैं डिपेक्ट नहीं करना चाहती, ज़्यादा बताना नहीं चाहती, क्योंकि फिर नज़र लग जाती है। नज़र इज़ रियल गाइस, लगती है लोगों की नज़र, मुझे भी यही पता है। ओके, ऐसा कोई सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आई गेस, ऐसा कोई इंसिडेंट जो तुम चाहोगी कि तुम्हारे साथ कभी ना हो?
कभी भी हो कभी भी ना हो. देखो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट एनी इंसिडेंट जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हो, देखो ऐसे बहुत इंसिडेंट है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ना हो, बट फेल होना मैं कभी फेल होना नहीं चाहती, पर मैं फेल कभी होंगी भी नहीं यार. ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ भी बुरा हो. बहुत सारे बुरे इंसिडेंट हैं मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हो. तो आई थिंक फेल होना होगा यार. फेल हो गई तो बहुत मुझे, मेरे को एकेडमिक फेलियर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. मुझे पढ़ते टाइम भी लगता है कि मतलब मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, मतलब पूरा सिलेबस पढ़ लेती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ, फिर भी अपने अपने ऊपर शक करती हूँ कि मैं फेल हो गई तो. मुझे एकेडमिक फेलियर इज समथिंग जो मुझे काफ़ी अफेक्ट करता है. ओके मेरी डीपी को रेट क्यों नहीं किया? दिस क्वेश्चन आई थिंक बहुत लोगों ने पूछा. मैंने रेट नहीं किया क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब मैंने जब पहले दिन मैंने किया था रेट, लेकिन सेकेंड डे से बहुत कमेंट्स आने लग गए, लाइक बहुत कमेंट्स हैं. तो मैं बैठती हूँ ना करने तो फिर मुझे लगता है कि बाप रे इतने लोगों को रेट करना पड़ेगा. और फिर मैं ना मैंने बहुतों की रेट करी है डीपी विदाउट इवन लुकिंग एट द डीपीज. मतलब मैंने अपनी डीपीज खोल के भी देखी और मैंने रेट कर दिया. इफ़ यू गाइस डोंट नो अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था ड्रॉप योर नेम्स एंड आई एम गोना रेट योर डीपीज बाय 1 to 10 ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. तो मैंने कुछ कुछ की रेट करी, कुछ कुछ की नहीं करी है. कुछ कुछ किया मैंने, बहुतों की नहीं करी है. दैट वीडियो इज गोइंग वायरल अभी तो नहीं आ रही, बट आई ट्राई टू रेट एवरीबडीज डीपी बाय ऑल्सो लुकिंग एट द डीपीज. डीपीज देख कर रेट करूँ पक्का, मुझे टाइम मिले थोड़ा, बिकॉज अभी मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ कुछ काम में, तो मैं पक्का करूँगी. ओके वट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स? ओके सो द क्वेश्चन, द आंसर टू द क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट, कि उसको मेरे साथ कहीं होना पड़ेगा, लाइक इंस्टीट्यूट में हो, कोचिंग में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो. क्योंकि मैं कभी भी दोस्त नहीं बनाती इंस्टाग्राम पर रैंडमली. आई नेवर मेक फ्रेंड्स, आई हैव नेवर एवर यू नो हैड अ कॉन्वर्सेशन विद एनी स्ट्रेंजर इन माई लाइफ. मतलब मैंने आज तक किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करी है. सो ना इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करते हो, देन यू टॉक, देन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड देन यू मीट और समथिंग हैपेंस. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी स्ट्रेंजर में, एज अ फ्रेंड भी किसी लड़की तक से बात नहीं करी है मैंने स्ट्रेंजर, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ना अपने नॉन लोगों से ही बात करती हूँ. जैसे अगर मेरी क्लास में कोई है तो उससे बात कर ली, मेरे ट्यूशन में कोई है, अगर मेरे कॉलेज में कोई है, आई ओनली टॉक टू नॉन पीपल जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मैं सामने सामने मिली हूँ. आई नेवर एवर इनिशिएट कॉन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर भी इनिशिएट करता तो मैं इग्नोर ही करती हूँ. बहुत लोगों ने मुझे लिखा भी है कि भाई कभी रिप्लाई नहीं आता, कभी रिप्लाई नहीं आता. एवरेज से कभी रिप्लाई नहीं आएगा बिकॉज मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती. इट्स नॉट मतलब मेरे है ही नहीं उसमें कि मैं बात करूँ किसी स्ट्रेंजर से, मैंने आज तक नहीं किया. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि उसको मेरे से होना पड़ेगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल या कॉलेज या जहाँ भी मैं काम कर रही हूँ, दैट पर्सन हैज़ टू बी देयर. सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ माई फ्रेंड इज़ टू बी मतलब ऐसा मुझे फ्रेंड चाहिए जो मुझे डांट सके. मतलब होता ना कि मतलब अगर मैं कुछ कर रही हूँ गलत तो मुझे ना बोले कि हाँ भाई तू कर. मतलब मैं चाहती हूँ समबडी पॉइंट्स माई मिस्टेक्स आउट कि भाई तू ये गलत कर रही है, दोस्ती तोड़नी है तोड़, लेकिन तू गलत कर रही है. मतलब समथिंग जो मुझे रोके मेरे गलत काम पे, साथ ना दे. आई थिंक ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी. बाकी तो होती है यार, मस्ती मजाक करे, मेरे जोक्स को ले, फनी हो, मजाक मस्ती करे, मजे में रहे, चिल रहे, मेरे से वाइब हो, थोड़ा मैच्योर हो मुझसे, क्योंकि मैं काफ़ी इमेच्योर हूँ, बहुत चाइल्डिश हूँ. तो समबडी शुड बी मैच्योर ना, अगर एक पागलपंती का दोस्त हो तो मैच्योर हूँ. बट ठीक है, मेरे सारे दोस्त अच्छे हैं. मेरी दो दोस्त हैं कॉलेज में, एक रिया और एक शिप्रा, दोनों ही अच्छी है. मतलब रिया भी अच्छी है, शिप्रा भी अच्छी. दोनों मेरे साथ पागलपंती करने पे आते हैं तो पागलपंती करते हैं, मुझे रोकते भी हैं कुछ गलत करने से और समझाते भी अच्छा खासा. तो दे टू आर ओके. सो माई क्वेश्चन इज वट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आस्क टू अ क्यूट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑन इंस्टाग्राम? आई मीन आई से दैट इट्स नॉट अ पिकअप लाइन, योर ड्रीम पैशन. डेज़ी माई ड्रीम पैशन, सी आई वॉन्ट टेल द ड्रीम, बट आई वुड टेल कि मुझे चाहिए क्या लाइफ से. मुझे चाहिए कि लोग मुझे जाने. आई वॉन्ट पॉपुलरिटी, आई वॉन्ट फेम, आई वॉन्ट पीपल टू नो मी कि ये प्रिया मिश्रा है. सो आई वॉन्ट दैट. गाइस पीछे से ना सब आवाज़ आती रहेगी बिकॉज मैं ना एक कॉलोनी में रहती हूँ, तो इसीलिए गाइस इग्नोर दैट. ओके हाउ डू यू हैंडल द नेगेटिव वाइब्स? प्लीज आंसर दिस. हाउ आई नेगेटिव द नेगेटिव? मैं हैंडल नहीं करती, मेरी मॉम हैंडल करती. मतलब ऐसा होता है बहुत बार कि मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नेगेटिव लग रहा है, तो शी इज़ द वन हुज ऑलवेज यू नो गोना डू ऑल दोज रेमेडीज की शी इज गोना मेक दोज ग्लूकोज पानी की, तो ग्लूकोज पानी पी ले तो तेरा हार्ट बीट कम हो, तो हार्ट बीट थोड़ी ठीक चलेगी. बहुत कुछ करती है मेरी, बहुत कुछ करती, शी डज मतलब बहुत कुछ करती है.
यू नो यू टेक वाटर एंड देन यू फील सम वाइब्रेशंस इनटू इट कि जो भी इस पानी को पिएगा वो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, डिवाइन सोल है. एंड देन यू गिव दैट वाटर टू समबडी हू इज फीलिंग डिप्रेस्ड और समथिंग, और जब वो पानी पिएगा ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो मेरी मॉम बहुत कुछ करती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए घर में. एंड आई वांट टू से कि शी इज़ द वन जिसकी वजह से आई थिंक नेगेटिव वाइब सब कुछ हैंडल होता है. अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरा ना बहुत डोंट केयर वाला एटीट्यूड है. मतलब मेरा काफ़ी मतलब ये ब्रह्मा कुमार जो मेरी मम्मी का बताया ना, वो ब्रह्मा कुमार से ही बताते हैं कि आपको कोई खाना खा रहे हो तो आप अच्छे वाइब्रेशन दो उस खाने में, कि जो भी इस खाने को खाएगा वो बहुत अच्छे से रहेगा, बहुत अच्छे उसके वाइब्स जाएंगे. तो ये सब आप जब करते हो ना, अच्छे वाइब्रेशंस करते हो, गुड मैनिफेस्टेशन करते हो, वाइब्रेशंस अच्छे लाते हो, पॉजिटिव वाइब्स लाते हो, तो वो चीज़ होती है. मेरी मम्मी घर में वो चीज़ रखती है, घर में पॉजिटिविटी रहे. तो घर में ना वो नहीं करते वो जो इविल आइज का वो आता है, वो भी मम्मी लाई है ताकि हमारे घर में नज़र ना लगे. काफ़ी चीज़ें मम्मी घर में करते हैं कि हमारा घर अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, बिकॉज मम्मी को पता है कि आज के टाइम पर कितना डिप्रेशन, कितना कुछ हो रहा है. तो शी ऑलवेज ट्राइज़ कि मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरी फैमिली ठीक रहे. तो शी ऑलवेज ट्राइज़ कि और मम्मी पार्लर है मम्मी का, तो मम्मी सबको एडवाइस करती है, आप भी ऐसे करो, आप भी ऐसे करो, आप ये करो, आप वो करो, आप कभी भी खाना नेगेटिव मन से मत बनाओ, पॉजिटिव मन से बनाओ, ताकि आपका खाना अच्छा बने, जिस खाने को खाए वो पॉजिटिव रहे. सो इन सब चीज़ों से आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू माई मॉम. अगर मेरी बात करो तो मेरा बहुत डोंट केयर वाला एटीट्यूड है. मुझे थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते. आई थिंक मुझे हेट कमेंट्स आते हैं, काफ़ी आते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब जिसको मतलब मुझे लगता है मुझे हेट कमेंट इसलिए आ रहे क्योंकि लोग मुझे जान रहे हैं. तो इट इज़ एडिंग अप टू माई पॉपुलरिटी एट द एंड ऑफ द डे. सो वाई शुड आई बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट इफ नरेंद्र मोदी को भी लोग हेट कर रहे हैं, लोग आलिया भट्ट को भी हेट कर रहे हैं. तो पीपल कैन हेट मी एज वेल, जितना हेट करना है हेट करें, मेरे को जो करना है मैं वो करूँगी. किसी की हेट से मेरी लाइफ नहीं बदल जाती. नेगेटिव वाइब्स मैं हैंडल करती हूँ बाय माई ओन नो डोंट गेट एटीट्यूड. अगर आपको नेगेटिव लगता है अच्छे गाने सुनो, टॉक टू द पीपल हु एक्चुअली जेन्युइनली केयर अबाउट यू, आपके फ्रेंड्स, आपके मम्मी पापा, आपके लव्ड वंस जो भी आपके साथ हैं, आप उनसे बात करो. आप अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, पॉजिटिव मोटिवेशनल मूवीज़ देखो, प्यार प्यार ड्रामा वाली मत देखो. मजाक मस्ती करो, अच्छे से रहो, चिल आउट करो, और अपने आप को समझाओ कि भाई ये टाइम भी गुजर जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट दैट इज समथिंग विच आई डू व्हेन आई एम फीलिंग नेगेटिव और समथिंग. व्हाट्स योर एज? माय एज इज 19 इयर्स. आई वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 2005 एंड नेक्स्ट 12 फरवरी 2000 कौन सा ईयर चल रहा है 2024 ना 2025 में मैं 20 की हो जाऊंगी. मैं 19 की अभी हूँ. मेरा 18th बर्थडे लास्ट ईयर सेलिब्रेट हुआ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इमेजिन यू गोना डाई आफ्टर 1 आवर, व्हाट डू यू गोना डू इन दैट 1 आवर बाय द ओके व्हाट इज द सयान ये. ओके सो सी मैं कभी भी गलत इमेजिन नहीं करती, बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन इफ आई हैव ओनली 1 आवर लेफ्ट आई एम ओनली गोना स्पेंड इट विद माय फैमिली एंड या इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. मुझे ऐसे इमेजिन नहीं करना, मुझे बहुत लंबी उम्र चाहिए, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में. कैन वी बी फ्रेंड टू एवरीबडी आस्किंग मी टू बी देयर फ्रेंड आई वांट टू से वेरी नाइसली वेरी सिंसियरली दैट वी कांट बी फ्रेंड्स बिकॉज आई डोंट प्रिफर टू बी फ्रेंड्स विद स्ट्रेंजर्स. यू आर माई फॉलोअर, आई एम समबडी, आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, यू आर माई फॉलोअर, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू कॉन्टेंट. So you that you can watch the content, like, comment, share your opinions on that. I'm always going to respect that. But if you want to be my friend or something, it is not possible because I don't prefer to be friend with a stranger. To become friends with a stranger. That's it. Very respectfully, very sincerely. No ego, no nothing. Jo log likhte hain ego hai, attitude hai, aisa kuch nahi. Are you from Varanasi? No, I am not from Varanasi. I don't know why people mujhe Varanasi se kyun bolte hain, but Varanasi se nahi hu. हे प्रिया वाना ग्रो योर आईजी. भगवान की दया से मेरा इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है. मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल कि मेरा कोई इंस्टाग्राम पेज मतलब बढ़ाए. ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ यू हैव टू चूज बिटवीन टू करियर और लव, व्हाट वुड यू चूज? ओके सो इफ आई हैव टू चूज बिटवीन, सी इट डिपेंड्स. अभी आई विल चूज़ करियर बिकॉज मैं अभी अपने इनिशियल जो 90s और 20s में, मतलब मैं 19 की हूँ, मैं 20 की हो जाऊँगी, तो अभी का टाइम आई थिंक सिर्फ करियर पे लगाने का होता है, तो करियर ही चूज़ करूँगी. लेकिन अगर आप बाकी की बात करो लाइक 30s की या करियर के बाद की, सो इफ़ आई हैव समबडी इन माई लाइफ जिसके साथ सही चल रहा है करियर वगैरह, तो आई एम गोना ऑलवेज चूज़ बोथ. बट अभी के लिए इज़ ओनली करियर. जब तक मेरा करियर नहीं बन जाता प्रॉपर्ली, मेरे महीने में मेरे बैंक अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपये नहीं आते, तब तक इट्स जस्ट करियर. बट आफ्टर दैट इफ माई फैमिली अलाउज एंड इफ आई एम ओके विद इट, सो बोथ.
what was your 12th and 10th percentage? I scored 97.5% in my class 12th and I scored 88.2% in class 10th. Yeah, that was my percentage in 10th and 12th. Okay. Who can you mimic well? Okay, so I don't know how you got to know that I mimic, but I mimic very good. मतलब मैं लोगों की mimicry बहुत अच्छी करती हूँ. अगर मुझे अगर आप मुझसे मिल लिए दो तीन बार भी बहुत ज़्यादा हो गए, एक दो बार भी अगर आप मुझसे मिल लिए और आपका बोलने का तरीका है, तो मैं उसको इतने अच्छे से कॉपी करूँगी कि लोग कहेंगे वही खड़ी है इसके सामने. मेरे फ्रेंड्स जानते हैं तो मैं उनके सामने कितनी कॉपी करती हूँ, कॉलेज की लड़कियों की और बहुत लोगों की, और घर पे भी बहुत करती हूँ पापा बहन के सामने. एंड ऑल्सो आई कैन मिमिक पंकज त्रिपाठी, आई कैन मिमिक आई डोंट नो इफ यू नो हर जशलीन जो बिग बॉस में नहीं आई थी, उसी और मैं थी जशलीन, हाँ बिग बॉस में आई थी. आई कैन अनूप जटोला करते ना वो वाली, उसके साथ आई कैन मिमिक हर. आई कैन मिमिक अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई विल डू मेक, मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी, मैं कोई अलग सी वीडियो दिखाकर मिमिक्री दिखा दूंगी. मैंने अंकिता को मिमिक किया था, अंकिता लोखंडे को बिग बॉस की, और उसकी शॉर्ट्स पे वीडियो भी है, तो वो जाके देख लेना, ज़्यादा पुरानी नहीं वीडियो. वट आर यू डूइंग इन योर करियर, विच कोर्स आर यू परस्यूइंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? ओके, सो वट आई एम परस्यूइंग इन माई करियर इज दैट आई एम ऑल्सो अ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम एंड आई हैव अराउंड 30K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर इज अ लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, मेरे यूट्यूब पे भी लिंक है, प्लीज़ जाकर मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे. एंड वहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग है मेरा, और मैं यूट्यूब पे भी कॉन्टेंट डालती हूँ. प्लस डिग्री में क्या कर रही हूँ, मैं BLED कर रही हूँ, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड या आई एम डूइंग दैट. और अगर आप मेरे करियर आगे के प्लान्स के बारे में पूछ रहे हो, तो आई एम गोना से कि अभी फ़िलहाल मैं एक्टिंग करियर मतलब एक्टिंग क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो टीचिंग प्रोफेशन है मेरा, तो मैं उसको परसीव कर रही हूँ. मतलब मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ काफ़ी सालों से, इट्स बिन लाइक 5-6 ईयर्स आई एम टीचिंग ट्यूशन, आई एम टेकिंग ट्यूशन. सो ट्यूशन्स हैं मेरे, मैं यूट्यूब से भी काफ़ी मतलब कॉन्टेंट डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेंट डाल रही हूँ, BLED कर रही हूँ. बाकी आगे का देखते हैं कि लाइफ ने हमारे लिए क्या सोचा होगा. ओके, सो योर डेली रूटीन. डेली रूटीन, अभी ना मेरी छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो मैं सुबह उठती हूँ, बहुत लेट उठती हूँ. आई वेक अप वेरी वेरी लेट, आई वेक अप टिल 12 1, मतलब 12-1 बजे तक मैं उठती हूँ. जल्द से जल्द मैं 9-10 तक उठ जाती हूँ, बट मेरा सर में दुखता है अगर मैं जल्दी जगूँ, तो मैं लेट जगती हूँ. एंड ऐसा नहीं मैं लेट सोती हूँ, मैं सोती टाइम पे हूँ, लेकिन मैं उठती लेट हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत नींद आती है. मुझे अभी भी नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा है वीडियो तो बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ. मैं अभी मुझे लग रहा है वीडियो बनाने के बाद मैं जाके सो जाऊँगी. तो आई वेक अप वेरी लेट. When I wake up, मैं सबसे पहले अपना ब्रश करती हूँ टीथ, क्योंकि मैं बिना ब्रश के एक सेकेंड भी नहीं रह सकती, उठकर बिना ब्रश के मैं बैठ नहीं सकती, तो मुझे ब्रश करना होता है. ब्रश के बाद मैं सबसे पहले उठाती हूँ अपना फ़ोन. फ़ोन पे मैं सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम का देखती हूँ कि मेरे कितना रीच हुआ, कितना क्या हुआ. यूट्यूब का देखती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ फ़ोन. उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ, मैं फ़ोन में कुछ फिर देखने लग जाती हूँ, यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे कुछ, TV पे कुछ देखने लग जाती हूँ. और फिर मैं नहा धो के खाना वाना खा के सो जाती हूँ दोपहर में. एंड शाम का जो मेरा टाइम होता है काफ़ी प्रोडक्टिव होता है, मैं उस पर एडिटिंग करती हूँ, पोस्ट डालती हूँ, यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, मैं काफ़ी अपने ऊपर काम करती हूँ उस टाइम पे. एंड देन आई स्लीप, रात का खाना खाती हूँ. मेरी ज़ीरो सोशल लाइफ है, मतलब मैं बात नहीं कर रही किसी से, कित करती ना किसी से मिलती, मतलब आई हैव लाइक ज़ीरो सोशल लाइफ नाउ. फ्रेंड्स बोलते हैं मिलने, बट बहुत गर्मी है अभी, आई विल मीट देम कुछ टाइम बाद. सो या लेट्स जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? प्लीज़ क्लियर इट आउट टू द ऑडियंस. आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, एंड अभी के टाइम पे मुझे बनाना भी नहीं है. अभी आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर, पढ़ाई पे, करियर पर फोकस करना है. और अभी ऐसा टाइम है कि टाइम भी नहीं होता, लाइक अभी तो टाइम मिला हुआ है दो एक जो जितने भी छुट्टियाँ हैं मुझे, लेकिन कॉलेज के टाइम पे क्या टाइम होता है. आप सुबह निकलो कॉलेज के लिए, सब मैं टाइम जैसे क्लास के हिसाब से टाइम हो तो निकलो, मैं भाग भाग के निकलती हूँ, फिर पूरे दिन कॉलेज में वेस्ट, मतलब जाते वेस्ट नहीं, मतलब जाता है कॉलेज में, फिर घर आओ, फिर ट्यूशन पढ़ाओ, फिर एडिटिंग होती है, उतने में दिन खत्म हो जाता है. तो इससे और बाकी मुझे करना भी नहीं है. मुझे अभी थोड़ा है कि
पढ़ लो, करियर पे फोकस कर लो, खुद पे फोकस कर लो एंड देन विल लुक ये सब चीज़ें. एंड जब भी हो आई विल नेवर प्रिफर कि मैं उस चीज़ को बताऊँ सोशल मीडिया पे. इवन इफ आई हैव समथिंग इन माय लाइफ आई वुड नो आई वोंट डिस्क्लोज इट ऑन सोशल मीडिया. मुझे नहीं पसंद अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाना सोशल मीडिया. ओके आई आंसर दिस. What is your elder sister doing in her life? And she's also very funny. And is she single? My sister blur हुई क्या video या मुझे blur दिख रही है? दीदी आप क्या कर रहे हो life में? दीदी क्या कर रहे हो आप life में? किसी ने पूछा है व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर डूइंग. अरे मतलब लाइफ में क्या कर रही है? ओके जैसा हो कहीं मैं बताती हूँ. वो पढ़ रही है अभी. ओके तो अभी मम्मी का कॉल आ रहा है गाइस. वेट कपड़े लिया, बारिश हो रही है कपड़े लिया छत से. माई सिस्टर शी इज परस्यूइंग मास्टर्स और अभी वो पढ़ रही है. शी इज गिविंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और अभी वो कपड़े ले जा रही छत पे, बारिश आ रही है. रुक जा गेट बंद कर दीजिए. और क्या कर रही है? और मेरी बहन सिंगल है. तो अगर आपको उससे प्यार हो या उसे आपको पसंद हो तो आप मेरे घर पर रिश्ता भेज सकते हो. मेरी ईमेल आईडी पर रिश्ता भेज सकते हो. हम पक्का कंसिडर करेंगे. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट How you got into LSR? Okay, so I got into LSR by giving CUT. And if you want to know anything about CUT, मेरा स्कोर कितना था, मेरा रॉ स्कोर कितना था, मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कितना था, मैंने कैसे पढ़ाई की, मैंने ट्वेल्थ में कैसे इतने अच्छे नंबर आए, मेरे CUT में कैसे नंबर आए, मैं LSR में कैसे आए, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप जाकर वहाँ देख सकते हो वहाँ से. प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दोज वीडियोज विच विल हेल्प यू. तो मेरे CUT में LSR से CUT देकर एडमिशन हुआ था. And there's a very cute story behind it जो मैं बतानी चाहती हूँ. मैंने काफ़ी बार बताया है एंड पर मैं सोच रही हूँ मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ. आई टुक अ ड्रॉप ईयर. टुक नहीं, वो मुझे मिल गया था बट आई टुक ड्रॉप ईयर. मतलब मुझे आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. और अभी हो रहा है बारिश का मौसम. मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया. बाय गाइस, आई लव यू. प्लीज शेयर, लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड आई लव यू गाइज. ये मेरा बस पार्ट वन है. मैं पार्ट टू में और डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी अपने लाइफ के बारे में, तो आप वो जरूर देखिएगा. बाय गाइस.